हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं सेकंड शिफ्ट के, तो वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आगे आने वाली सभी शिफ्ट का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान आया था, तो ये हो जाएगा 2.2 राइट आंसर, ठीक है। ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, वो नहीं पता है क्वेश्चन क्या था, बट क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको टॉपिक भी पता होने चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ये ज़्यादा तो रिपीट नहीं होंगे, एक दो दिन में से रिपीट भी हो सकता है, बट आपको टॉपिक पता होना चाहिए किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, तो इंग्लैंड के जो कैप्टन है इंग्लैंड टीम के हैरी केन, इनको मिला है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपका, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, 2017 में क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आशा करता हूँ कि आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था, NaHCO3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेन मैंने आपको सारे कवर करा रखे हैं अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे। नेक्स्ट आपका, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 होते हैं, अगर पेयर की बात की जाए, जोड़ों की बात की जाए तो 23 होते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी आपका होगा तो ये सभी को पता होगा यार, ये सारे मैंने करा रखे हैं, ये सारे के सारे मैंने ऑनलाइन टेस्ट में कवर करा रखे हैं। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट लगाया ना लगातार, तो आप ये सारे कवर कर लेंगे। अभी भी ऑनलाइन टेस्ट की मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में सारे के सारे एकदम से, तो आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, मेंडलीफ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक। नेक्स्ट आपका, पीरियोडिक टेबल से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने से पहले। पीएच वैल्यू ऑफ वाइन, वाइन की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 3 से 4 के बीच में, जो भी आपका होगा उसको आप आंसर लगा सकते हैं। सबसे छोटी हड्डी, देखिए इससे पहले शिफ्ट में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था सबसे बड़ी हड्डी, अब पूछ लेगा सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज और सबसे बड़ी होती है फीमर, ठीक है। तो दोनों के दोनों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर एक पूछ लिया गया तो दूसरे वाला अगले शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एनर्जी की यूनिट आपकी पूछी गई, जूल हो जाएगी राइट आंसर, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट। और देखिए हाँ, अभी मैंने आपकी CM की और गवर्नर की जो PDF है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। अभी SI यूनिट जितनी भी इंपॉर्टेंट, pH वैल्यू, ठीक है, ये सारे अभी अपलोड करने बाकी है। मैं धीरे धीरे सब कुछ अपलोड करवा रहा हूँ, PDF बनवा रहा हूँ बहुत स्पीड से, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैविडस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन मोलिकुलर मास नंबर यहाँ पे पूछा गया था, मास नंबर, तो ये 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, अग्नाशय में, ये आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। मॉरिशस की कैपिटल आपकी पूछी गई थी, देखिए मेन कैपिटल की भी मैं PDF बनवा रहा हूँ, ठीक है, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो दिन का, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी ये 40 दिन एग्जाम चलना है, तो सीरियसली अगर आप सारी एनालिसिस को देखते हैं और सारी PDF देखते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाएंगे अभी इन 40 दिन में भी अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरिशस की कैपिटल क्या हो जाएगा, पोर्ट लुइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे गंदा रेलवे स्टेशन, ये एक तो मथुरा का है और एक है ये यूपी में है, और आपका सहारगंज ये भी आपका यूपी में है, तो ये है। और देखिए कल पूछा गया था कि सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चंस, मतलब आज अगर ये क्वेश्चन पूछा है ना तो कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का, किस एंगल से क्वेश्चंस बन रहे हैं। PNB बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे, तो 1510 में ये आपका वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, तो तभी ये मतलब इन्होंने गोवा में अपना, माना जाता है कि इन्होंने अपना स्थापना कर दी थी, ठीक है। हरिद्वार किस नदी के किनारे हैं, तो देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है। बिग बॉस 11 का होस्ट कौन है, तो सलमान खान ही है, ठीक है। इससे पहले भी मतलब सलमान खान ही थे, तो सलमान खान हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, आई डू वॉट आई डू बुक किसकी है, तो ये रघुराम राजन जी की हो जाएगी राइट आंसर इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ALP में भी आया था, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि ALP में भी आए थे और अभी भी आए हैं,
ठीक है, मतलब अभी भी आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो बहुत हेल्प आपकी कर रहे होंगे। और आप नेक्स्ट है, रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीसी चंद्रा पुरस्कार किसको दिया गया? आशा भोसले जी को, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एशिया गेम में सबसे पहला गोल्ड किसने जीता था? अभी देखिए एशिया गेम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एशिया गेम के भी मैं पीडीएफ बनवा दूंगा, ठीक है। तो एशिया गेम पे आपका जो गोल्ड सबसे पहले मिला था वो बजरंग पूनिया को मिला था, ठीक है। 2010 का नाबार्ड का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो देखिए 2010 का नाबार्ड, 2010 तक भी आपकी समझ लीजिए कि ये नहीं, ये करंट में आता है और ये नहीं आपका हिस्ट्री में आता है, तो 2010 का तक भी आपका पूछा जा रहा है, तो ये कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी जी को, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाउंडर ऑफ पेटीएम, तो विजय शेखर शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें मिल गई होगी। और देखिए दोस्तों, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके मेरे बहुत सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं डायरेक्टली, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप इस काम को कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए भी कई क्रैश कोर्स बनाए, इसलिए मैं बीच बीच में आपको ये चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट भी ना और आपको पता भी चल जाए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन फेक बता रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया ये आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है, जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये मैक्सिमम मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे को ये करंटली जो चीज़ें चली रहती है वो याद रहती है। अब हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हो गए, आपके मैथ के हो गए और आपका रीजनिंग के हो गए, ये याद रखना मतलब पॉसिबल नहीं, आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर आप एग्जाम में आते हैं एग्जाम दे करके और घर पर आके कोई पूछे आपसे क्वेश्चन, तो आप तब भी नहीं बता पाते हैं, और फिर भी बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, एक आइडिया देते हैं क्वेश्चन का, तो इसलिए उनका ही आइडिया लेकर के कुछ क्वेश्चन मैं आप तक लेके आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्लॉक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एनालॉगी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, सीरीज, और आपका मिरर इमेज और वोटर इमेज से, ओड वन आउट से, ये कुछ चैप्टर हैं जिनसे मुझे पता चला है कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी है, देखिए कुछ ये क्वेश्चन था आपका, सीरीज कंप्लीट करनी थी आपको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है MOJL, यहाँ पे खाली स्थान आपका और DF, तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो क्या पता आपकी शिफ्ट में ना आया, किसी और दूसरे स्टेट में आ गया हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, कि हर एक बिल्कुल अगर सभी स्टेट का और हर एक शिफ्ट का बिल्कुल पेपर सेम दे दिया जाएगा, तो फिर एकदम से मतलब ये नहीं हो जाएगा कि पेपर लीक हो गया, ठीक है। तो और दूसरी बात है, इसमें चीटिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखा करें कि आपकी शिफ्ट में अगर नहीं आया तो क्या पता दूसरे की में आया हो, फेक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एम, इसमें क्या चल रहा है, माइनस थ्री चल रहा है, एम में से माइनस थ्री करेंगे तो जे, और माइनस थ्री करेंगे तो एल, इसी तरीके से आपका माइनस थ्री तो जी और माइनस थ्री तो एच, तो यहाँ पे जी एच आ जाएगा, और नेक्स्ट भी अगर हम माइनस थ्री करके देखेंगे तो डी एफ बनता है आपका राइट आंसर, ठीक है, जी एच इज द राइट आंसर। अगर आपको टेलीग्राम का नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एक तो आपका क्लाउड को अगर ये लिखा जा रहा है तो स्माइल को क्या लिखा जाएगा, तो क्लाउड और ये वाला इसमें क्या चल रहा है, इसमें अपोजिट चल रहा है, ठीक है ना। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है, यू का अपोजिट आपका एफ, और डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू, तो अपोजिट इसमें चल रहा है तो इसका इसलिए कोड ये बना है, तो स्माइल का भी हम बिल्कुल अपोजिट कर लेंगे, तो एस का अपोजिट एच हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, और एल का ओ हो जाएगा, और ई का वी हो जाएगा, तो अपोजिट वर्ड ये हो गए, तो इसका मतलब राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बहुत ही सिंपल सा सेम के लिए आपका ये वाला कोड है, तो साउंड के लिए क्या होगा, तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने मतलब जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से नेक्स्ट लिख दिया गया, यानी कि लास्ट वाला है फर्स्ट पे, ठीक है, सेकंड लास्ट, तो सेकंड फर्स्ट, और इसी तरीके से इन्होंने पूरा लिख दिया है, तो इसका भी राइट आंसर हम बना लेंगे। साउंड को कैसे लिखेंगे, डी एन यू ओ एस राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एक मैथ का था, देखिए आपका ए पाइप जो है वो 25 मिनट में भरता है किसी टैंक को, और बी पाइप जो है 50 मिनट में भरता है, सॉरी 50 मिनट में खाली करता है। ए जो पाइप है वो 25 मिनट में भरता है और बी पाइप जो है वो 50 मिनट में खाली करता है, तो दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा 50, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आएगी 50 आ गई, तो यहाँ से एक एक पाइप की कैपेसिटी निकाल लेंगे, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ए जो पाइप है वो एक मिनट में 2 यूनिट पानी भरता है, और 50 को 50 से भाग करेंगे तो बी जो पाइप है वो एक मिनट में 1 यूनिट पानी खाली कर देता है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही यूनिट पानी भरा जाएगा 1 मिनट में, तो 50 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा, 50 मिनट ही लग जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस है। एक था आपका
कितने समय में 1250 मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 1400 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सॉरी, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 1250 है, अमाउंट आपकी 1400 है, आप डिफरेंस निकाल लीजिए 150 रुपये का है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था उस पर 150 रुपये इंटरेस्ट लग के अमाउंट आपकी ये बनेगी। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन में आपका मूलधन इंक्लूड होता है और इंटरेस्ट भी, यानी कि ब्याज भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये 150 रुपये का ब्याज लगा है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P(R)T/100 वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टी नहीं दिया है तो टी को आप वैसे रखेंगे, और बाकी चीज़ें दे रखी है, जैसे आपको यहाँ पे SI दे रखा है, 150 निकल गया आपका। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 1250 है और 6% का इंटरेस्ट, और टी आप वैसे रखेंगे अपॉन में 100। इसको सोल्व करेंगे आप तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 25 से 4 बार कटिए 50 से। ठीक है, और 2 × 4 ठीक है, और 2 से इसको कट करेंगे 3 बार, और 2 से कट करेंगे 50 को 25, तो 25 और 3 ऊपर बच गया, तो 25 की 3 में करेंगे तो 75 हो जाएगा, और इधर 150 है। ठीक है, तो 150 को 75 से डिवाइड करेंगे तो टी आपका कितना आ जाएगा, 2 ईयर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजी से पूछे जा रहे हैं। बाकी बात यह है, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ सकता हूं आइडिया बेसिस, मतलब कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन तो नहीं पता चलता है, बट बात करके पता चल जाता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, जैसे अभी आपका एक था ट्रेन का क्वेश्चन, जिसमें बच्चे ने बताया कि उसमें आपका प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी थी। अब ये बताइए मुझे, वो क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट में नहीं पता चला, बट मुझे ये पता चलेगा कि जिसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी थी, वो उस टाइप का क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो इस टाइप में करा दूंगा, अदरवाइज जितने क्वेश्चन मिलेंगे 5, 10, 15, 20, 25 वही मैं करा दूंगा, एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि यार गाली खाने का शौक मुझे भी नहीं है। आपके लिए कुछ तो मेहनत करो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ और आपकी फिर बाद में गाली भी खाओ, तो इसमें कोई मज़ा नहीं आता है। ठीक है, PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, पूरा दिन आपके लिए डेडिकेट कर रखा है, फिर भी उसके बाद भी गालियाँ मिलती है तो फिर इतना मज़ा नहीं आता है काम करने में। ठीक है, आपके लिए वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो देखनी होती है तो देख लिया करें, अदरवाइज मत देखा करें, पर गाली मत दिया करें। ठीक है, तो इस वीडियो में था इतना ही, और मैं आपको टेलीग्राम के बारे में बता देता हूँ। देखिए टेलीग्राम है, और इस पर आपको PDFs मिल जाती हैं सारी की सारी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कमेंट में कि टेलीग्राम होता क्या है और डाउनलोड कैसे करना, मतलब ज्वाइन कैसे करना है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको टॉपिक स्टडी वहाँ पर सर्च करना है, बस आपको कितना क्या सर्च करना है, टॉपिक स्टडी, तो सबसे ऊपर आपका टॉपिक स्टडी आ जाएगा, उसको उठा के ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेगी। बस एक बार ज्वाइन कर लीजिए, लाइफ टाइम का आपका काम हो जाएगा PDF मिलने का, तो ठीक है, सब कुछ PDF आपको मिलती रहेगी। और टेस्ट के लिए जो बच्चे पूछ रहे थे, ऑनलाइन CBT टेस्ट है जिसमें 30 आपके टेस्ट है, 149 का है, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और 120 रुपीज़ का ये हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कोड है आपका सौरभ, यानी कि मेरा ही नाम, और SPL आपको यूज करना है। ठीक है, 120 रुपये मेरी जेब में नहीं जाएंगे, ये कंपनी की जेब में जाएंगे, सिर्फ हमारे लिए फायदा ये है कि हम डिस्काउंट पे इस चीज़ को खरीद रहे हैं, और 120 रुपये का है केवल, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, आप लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप सभी जगह आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। अगर पसंद आए तो खरीद लीजिएगा, बिल्कुल भी मेरे उस पे मत जाइएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि खरीदिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो रखी है और मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के सामने, जब एकदम से आप टेस्ट देने जाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप पर बैठे हैं, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत टाइम चाहिए होता है। अगर आप उसको पहले घर पे कई बार टेस्ट को दे चुके होंगे तो जब टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पे लगेगा कि यार ये इस काम को तो मैं रोज ही करता था, तो इतना कोई मतलब हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी और आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आप इस टेस्ट को खरीद सकते हैं, बहुत ही सस्ता है, 120 रुपीज़ में है। पता नहीं बच्चे एक एक दिन में कितने कितने खर्च कर देते हैं, और ये टेस्ट है आपका जिसमें आपकी हेल्प हो सकती है, सिलेक्शन की भी बात है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आपने लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।